हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के वन लाइनर महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें दोस्तों 1000 प्रश्नों को शामिल किया गया कि वीडियो भाग दो को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों 101 क्वेश्चन से लेकर हम लोग 200 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरम्भ करते हैं। दोस्तों, ये हमारा लूसेंट सामान्य ज्ञान वन लाइनर का वीडियो भाग दो है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने वीडियो भाग एक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 101 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम लोग 1000 जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है लूसेंट सामान्य ज्ञान का, हम लोग दोस्तों उसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे देखना हम लोग आरम्भ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? भूपरपट्टी। हम लोग पढ़ते चले आए दोस्तों कि सबसे ऊपर भूपरपट्टी होती है, उसके बाद दोस्तों मेंटल होता है मध्य भाग में, और निचले भाग में दोस्तों कोर होता है, या हम उसको क्रोड भी कहते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? भूपरपट्टी। इसको सिलिका नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आप लोग जानते हो। 102 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार वन डे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो दोस्तों आज भी भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूमती है, हम लोग जानते हैं एंटी क्लॉक वाइज, इसीलिए दोस्तों सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में होती है दोस्तों, आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। मेघालय के दोस्तों कौन से स्थान? मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी दोस्तों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की संकल्पना तो अल्फ्रेड विग्नर ने दी थी। नेक्स्ट, प्लूटो की खोज किसने की? तो दोस्तों प्लूटो की खोज की थी क्लूटो टोम्बो ने। प्लूटो की खोज किसने की थी? क्लाइड टोम्बो ने। दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले प्लूटो एक ग्रह का दर्जा हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 24 अगस्त 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संगठन में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में जो एक सम्मेलन हुआ, जिसके तहत दोस्तों प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब प्लूटो दोस्तों बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 108 नंबर क्वेश्चन, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो समताप मंडल में होती। कहाँ पे होती है दोस्तों? समताप मंडल। हम लोग जानते हैं दोस्तों सबसे पहले क्षोभ मंडल, सबसे निचला स्तर, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद दोस्तों ओजोन मंडल जो कि समताप मंडल में ही है, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 109 यानी 109 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है, एक मिनट दोस्तों, 109 नंबर हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। तो दोस्तों क्या शामिल है? सिलिका। हम लोग पढ़ते चले आए हैं, सबसे पहले दोस्तों सियाल पहली परत जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, उसके बाद दोस्तों सीमा सिलिका और दोस्तों फेरम, सीमा दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम, और लास्ट है दोस्तों सबसे आंतरिक भाग कोर जो निफे यानी निकिल और फेरम। तो दोस्तों पृथ्वी की पपड़ी की पूछा जा रहा है, तो उसमें सिलिका और सिलिका और एल्यूमिनियम जिसमें दोस्तों सिलिका का परसेंट सबसे ज़्यादा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पे दोस्तों? एलिस द्वीप के पास। नेक्स्ट है, चंद्र प्रभा अभ्यारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेशल थे दोस्तों, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं, जैसे दोस्तों हमारे विभिन्न राजस्व लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल अनेक दोस्तों वनडे परीक्षाएं लगी हुई थी, उनको दृष्टि में रखते हुए दोस्तों पूरी तरह से यूपी स्पेशल को भी इसमें कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट 112 यानी 112 नंबर क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह अयस्क की खान स्थित है कर्नाटक में। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में। दोस्तों 113 यानी 113 नंबर क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में। नेक्स्ट है दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन, हीराकुड बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों वो ओडिशा में, यानी पारादीप बंदरगाह वो भी ओडिशा में और हीराकुड बांध ओडिशा में। नेक्स्ट दोस्तों, कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य? तो दोस्तों कर्नाटक है। और कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है?
दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखेंगे हम लोग, 116 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। 117 दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है बुलर झील। लोकेशन दोस्तों हम लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर। 118, 118 नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों, तो मेडागास्कर है। और कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है, तो कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। 120, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है टोडा जनजाति। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। 121 यानी 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं सिल्वास, इसे धरती या विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अब जानते हैं दोस्तों सिल्वास, ब्राजील अमेजन बेसिन का दोस्तों ये घना बसा जंगल। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है तो किसको जोड़ती है दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 124 नंबर, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है, हमें बताएं दोस्तों किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है, तो दोस्तों महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे अधिक है। जीडीपी आप दोस्तों पढ़े ही होंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है 125 यानी 125 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की वर्तमान उपाध्यक्ष बताने हैं, तो राजीव कुमार हैं। और अध्यक्ष तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही जो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग को दोस्तों अब चेंज करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट 126 नंबर, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है, पेंशन से संबंधित है। 127, भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी है दोस्तों, यानी हमारे देश इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी, तो एयरटेल है। नेक्स्ट दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य दोस्तों योजना निर्माण में योजना निर्माण के संबंध में सलाह देना। 130, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य था दोस्तों, क्या था उद्देश्य, रोजगार सृजन, खाद्यान्न की वितरण में दोस्तों पर्याप्त जो है सुलभता। नेक्स्ट दोस्तों 1948, 131 नंबर क्वेश्चन है, 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 131 नंबर दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 132 यानी 132 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। 133, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में, कृषि विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों नाबार्ड। 134 है, मुद्रा नीति को कौन विनियमित करता है, तो केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों, हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और दोस्तों एक मुद्रा निर्माणी समिति होती है, मिलकर मुद्रा नीति को विनियमित यानी नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है 135, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। 136 नंबर, 115वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 137, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, तो मिजोरम में, आज भी प्रचलित है दोस्तों सीढ़ीदार खेती मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट 138, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, 138 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फ्लड लाइट के लिए परियोजना, फ्लड लाइट के लिए परियोजना दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। 139 नंबर, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है, तो होता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 140 नंबर, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है, आपका बैंक आपके द्वार करंट से रिलेटेड है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट है वित्त आयोग का कार्य बताने, 141 नंबर में, तो वित्त आयोग का कार्य है दोस्तों कुछ संसाधनों को संघ तथा राज्य सरकारों में बांटने के लिए सुझाव देना, वित्त आयोग का कार्य है। नेक्स्ट पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, केरल में है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस नदी दोस्तों किस राज्य में है, तो ये केरल में है, और नदी पूछा जाएगा दोस्तों तो आपका पेरियार नदी ही होगा। नेक्स्ट 143, राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है, राजा चेलैया समिति। 144, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कहीं कहीं आइंस्टीन भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। 145,
महासागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लाया जाता है, तो फैदोमीटर लाया जाता है। और बेंजीन की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी। नाइट्रोजन, नेक्स्ट हमारा 147, नाइट्रोजन की खोज किसने, तो रदरफोर्ड ने। यानी दोस्तों बेंजीन की खोज माइकल फैराडे और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों। एक सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है, कर सुधार से। और पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, तो केरल में है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनका रिविजन कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो एनीमोमीटर कहा जाता है। हवा के वेग को मापने के यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। भारी जल क्या है दोस्तों, तो है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी के अंदर, पेट्रोलॉजी के अंदर चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन यानी 151, आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को। नेक्स्ट देखते हैं 151 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। बार बार आप पढ़ते चले आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन, वनडे एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 152 न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है, न्यूरोसिस तो मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। न्यूरोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दोस्तों, कॉन्सेप्ट फैक्ट या विकल्प के रूप में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 153, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया। जावा को दोस्तों ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर से आज दोस्तों जीके में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया, तो सन ने किया। किसने दोस्तों, सन ने। अगला है 154, पाब्लो पिकासो कहाँ का निवासी था, तो स्पेन का। नेक्स्ट है दोस्तों बगदाद कहाँ की राजधानी है, तो इराक की है। और मलयालम शासकीय भाषा कहाँ की है, तो केरल की है। 157 नंबर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। 158, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 159 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन है दोस्तों 159 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। 159 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ आप लोग बांधवगढ़ कभी कभी मध्य प्रदेश राजस्थान में कन्फ्यूजन करके दोस्तों आपका आंसर गलत चले जाते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 160, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, स्टेटिक जीके का क्वेश्चन, सुकुमार सेन। 161, IMF का पूर्ण रूप बताना, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का फुल फॉर्म। इंद्रावती टाइगर रिजर्व 162 नंबर क्वेश्चन, कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, 163 नंबर क्वेश्चन, तो असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। और 164 नंबर, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो जैन धर्म में हुए। हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, 2400 तीर्थकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है, तो झांसी की रानी। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब दोस्तों, 2 अक्टूबर 1951 को। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 2 अक्टूबर 1951 को। 166 नंबर क्वेश्चन हो गया, हम लोग देखेंगे दोस्तों 167 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन है दोस्तों भारत की पहली महिला हाईकोर्ट जज बताने, पहली महिला हाईकोर्ट जज तो है श्रीमती अन्ना चाड़ी, श्रीमती अन्ना चाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 168 को, भारत में निर्मित सबसे बड़ा जलयान का नाम, तो जवाहरलाल नेहरू। और 169, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 170, हरजन पत्रिका दोस्तों बार बार पूछा गया है वनडे एग्जामों में, तो इसका संपादन किया था दोस्तों हरजन पत्रिका का, महात्मा गांधी जी ने। और 171 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे दोस्तों, 171 नंबर क्वेश्चन है, तो प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य क्रियान्वयन से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य क्रियान्वयन से। 172, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वो होता मिथाइल आइसोसाइनेट का, काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी या रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। 173 नंबर क्वेश्चन, 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ह्यूमन राइट, आप लोग जानते हैं मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 174 देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय तो वाशिंगटन है दोस्तों, हम लोग पढ़ते चले आए, पीछे भी इसको पढ़े दोस्तों, क्या पढ़े थे,
वहाँ पढ़े थे दोस्तों IMF, IMF का फुल फॉर्म तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब यहाँ उसका मुख्यालय पूछा गया तो क्या है दोस्तों, वाशिंगटन। नेक्स्ट 175, मिल्क मैन की लेखिका कौन है, तो अन्ना बर्न्स है। कौन? अन्ना बर्न्स मिल्क मैन की लेखिका। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र के लेखक बताने हमें। 176 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मुंडी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। 177 डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। 178 बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का है। काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का। 179 नंबर क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया था, तो पश्चिम बंगाल में। और 180 है दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और भरतनाट्यम और कथकली ये केरल के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथकली केरल, यानी मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल के हैं, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और हमारे उत्तर प्रदेश का क्या, कथक है। क्या दोस्तों? कथक है। आगे देखेंगे 181, दूरदर्शन का आदर्श नाम क्या है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का आदर्श नाम। 182, संतोष ट्रॉफी का संबंध बताना किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। और बेटन कप दोस्तों ये किस खेल से है, 183 नंबर क्वेश्चन, तो वो हॉकी से है, बेटन हॉकी से है। 184 देखेंगे दोस्तों हम लोग, चुकर शब्द का प्रयोग होता है कहाँ पे, ये बताने दोस्तों। 184 नंबर क्वेश्चन में चुकर शब्द का प्रयोग होता है कहाँ पे, ये बताना दोस्तों, तो कहाँ पे होता है, फूलों में। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, तो दोस्तों 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। 186, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बताने, तो मनीला में। मनीला दोस्तों हम लोग जानते हैं फिलीपींस की राजधानी है। 187, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो बीज से प्राप्त होते हैं दोस्तों कपास के रेशे। लौंग प्राप्त होती है, तो पुष्प कलिका से। अब पूछा जाता है दोस्तों लौंग क्या, तो एक कली है। 189, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। दोस्तों UPSC से काफ़ी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 191 से, कल्याण सोना किस्म है, तो कल्याण सोना एक गेहूं की किस्म है, कल्याण सोना एक गेहूं की किस्म है। 192 देखेंगे, 192 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मालवीय चमत्कार एक प्रजात है, तो अरहर की है। मालवीय चमत्कार एक प्रजात किसकी है, तो अरहर की है। 193, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप के द्वारा, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। 194, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पे दोस्तों, लखनऊ में। 195, भारत में फसल बीमा योजना कब शुभारंभ किया गया, तो 1985 में। और उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी, तो 1992 में। स्टेटिक JK के क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे गए हैं। 197, पूसा बोल एक प्रजाति है सरसों की, पूसा बोल एक प्रजाति है सरसों की। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो शारदा नहर है दोस्तों। और हथनी कूट परियोजना किस नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 200 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है किस नदी पर दोस्तों, तो वह है बेतवा नदी पर। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने वीडियो भाग दो में लूसेंट सामान्य ज्ञान के वन लाइनर एक महत्वपूर्ण सीरीज जो दोस्तों 1000 क्वेश्चन की है, वीडियो भाग दो में हम लोगों ने दोस्तों फिर 100 क्वेश्चन को कवर किया, 101 से 200 तक। इस तरह से दोस्तों एक भाग में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और टोटल दोस्तों 10 वीडियो में हम लोग 1000 महत्वपूर्ण जो हमारी एक श्रृंखला दोस्तों उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जो हमारे विभिन्न वनडे परीक्षाओं में दोस्तों घूम घाम के यहीं से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वहाँ दोस्तों ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाली सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।